आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इंडियंस लोगों के ये सजेशंस हैं कि पाकिस्तानियों से पूछा जाए, जो कि इंडियन के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नींबू और नारियल के साथ अपने त्यारे का खिताब किया है। पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द शो। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? इंडियन ने एक त्यारा लिया है जिसपे उन्होंने नींबू और नारियल के साथ उनका जो मिनिस्टर है उसने इफ्तिताह किया है, जैसा कि हिंदू कम्युनिटी में होता है। उस पे हमारे जो हैं मिनिस्टर हैं उन्होंने कमेंट कर दिया और टॉन्ट कर दिया, जिसपे DGSPR ने इसको तरदीद की है और कहा है कि हर मजहब को जो है वो हक होता है वो अपनी रसूमात अदा करें, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, तो हमें टॉन्ट नहीं करना चाहिए। इस पे एज अ पाकिस्तानी आप क्या सोचते हैं? नहीं, हम लोग की जनरेशन है, हम लोग बहुत लिबरल और ओपन माइंडेड है, तो पर्सनली आई डोंट थिंक इट्स रॉन्ग, क्योंकि हर रिलीजन में हर लोगों के पास अपना एक फ्रीडम होता है कि वो अपना रिलीजन किसी भी तरह करें। हम लोग भी बहुत सी रसूमात करते हैं जो शायद प्रॉब्ली किसी को पसंद नहीं होंगी, तो कोई हमें नहीं रोकता, तो हमें किसी को नहीं रोकना चाहिए। मेरा ओपिनियन ये है कि हर मजहब इजाज़त देता है, तो उनका अपना मजहब है, वो करें इस तरह उनका मजहब है, वो इसको करना चाहते हैं, जो चीज़ भी ले लें तो वो उसको मतलब पूजा करते हैं उसकी, तो हमें इस पर टोंड नहीं करना चाहिए। ओपिनियन तो ये है हर मजहब का हक है कि वो अपनी रस्म और रिवाज मना सके, हमें किसी की मजहब पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। जिस तरह वो मनाते हैं हम भी अपना मजहब मनाते हैं, जिस तरह वो भी तनकीद करेंगे, मजहब सबके होते हैं, मजहब पर तनकीद नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तानी मैं तो कहता हूँ वाकई में गलत है, क्योंकि हमने मतलब अगर हम उनके मजहब का मजाक उड़ाएंगे तो हमारे भी उड़ाएंगे, तो यही चीज़ खैर टॉन्ट नहीं होना चाहिए था, ये वैसे गलत बात है। अब क्या कहें? सिमिलरली आई थिंक आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन प्रोवाइड करता है, सो इट्स नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद इस्लाम, इट्स आल्सो एसोसिएटेड विद ऑल अदर रिलीजंस टू। So if somebody is doing something which is according to their traditions and their customs, so you should be open about their customs and religion as well, instead of like taunting or mocking at them. So I think it's perfectly fine if somebody is doing something according to their religion. मेरी ओपिनियन है कि उनका अपना अलहदा मज़हब है, वो अपने मज़हब के मुताबिक जो कुछ करते हैं वो उनका मजहबी सारा त्यौहार है, हम अपने मज़हब के मुताबिक कुछ भी करें, अगर हमें कोई कहेगा तो हमें भी गुस्सा लगेगा इस बात का, लेकिन अगर वो भी करते हैं तो उनको करने देना चाहिए, उन पर तनकीद करना बनता नहीं है हमारा एज अ मुस्लिम। हमें तो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस चीज़ से मना फरमाया कि हम किसी पर तनकीद ना करें कोई भी बिला वजह। देखें, अब उन्होंने वो त्यारा जो भी लिया, अब उनका वो अपना रिलीजन है, ठीक है, हमारा जैसे अपना रिलीजन है, हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम सारे माशाल्लाह मुसलमान हैं, अब वो इंडियंस है, उनका अपना रिलीजन है, वो कुछ भी लें, जैसे भी किया उन्होंने अपने वे से करना है, हमारा अपना वे होगा, हम लेंगे, हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं, हम लोग अपना कोई त्यारा लेते हैं, जैसे भी लेते हैं, हमारा जो ओपिनियन होता है खुशी का जो भी होता है हम अपने तरीके से करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। क्या रहे, जो भी कोई कर रहा है उसको करने दो, प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, जितना भी बढ़ता है प्यार मोहब्बत बढ़ाओ, भावे इंडिया हो, भावे कोई मुल्क हो, चाइना हो, अमेरिका हो, कोई मुल्क हो, प्यार मोहब्बत से रहे तो हम भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दवे, तो कोई अच्छी अच्छी बात करो, ऐसा किसी नु तंग ना करो, कोई नारियल तोड़ता है उसको तोड़ने दो, कोई नींबू निचोड़ता है उसको निचोड़ने दो। यह एग्जैक्ट सेम थिंग कि अगर आपके रिलीजन है, आपकी अपनी वैल्यूज हैं, आपकी अपनी चीजें हैं, आप रिस्पेक्ट करें, आप उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, बजाय से आप टॉन्ट करें, दिस इज रॉन्ग। जो तो एज अ मुस्लिम क्या आपको लगता है कि बाकी जो मजाहिब हैं उनका हक है कि वो अपनी अपनी सेलिब्रेशन अपने अपने तरीके से करें, अपने अपने मजहब के हिसाब से करें? एग्जैक्टली उनका हक है, बिल्कुल उनका हक है, हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, अगर हम उन्हें समझाने बैठ जाएंगे वो हमें अपना मजहब समझाएंगे, ना हम उन्हें अपना समझा सकेंगे ना वो हमें अपना समझा सकेंगे। देखिए, ये तो अगर इवन इफ यू डेट बैक टू द टाइम ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, तो उनके टाइम में भी उनका भी यही था कि जहाँ भी जितने भी लोग रह रहे हैं सबके पास अपने रिलीजन का एक वो फ्रीडम होना चाहिए, अगर उनके टाइम पे था हम तो बहुत एडवांस थे, तो हमारे टाइम पे तो वैसे ही होना चाहिए ये चीज़। तो आई एब्सोल्युटली एग्री कि आप जहाँ मर्जी रह रहे हो, आपका जो रिलीजन है आप उसको फॉलो करो आराम से। कहा क्या है, वो अपने मजहब को बेहतर समझते हैं, हर बंदा अपनी मजहब को बेहतर समझता है, इस तरह हम मुसलमान हैं, हम अपने इस्लाम को बेहतर समझते हैं, इस तरह वो हिंदू हैं, वो भी अपनी किताबें पढ़ते हैं। बिल्कुल, हर मजहब का हक है कि वो अपने रस्म रिवाज, अपने कल्चर को, अपने मजहब को पूरी तरह से सेलिब्रेट कर सके, लेकिन ये हम हमारे इस्लाम भी जबर की इजाज़त नहीं देता, हमारा इस्लाम भी कहता है किसी के पे जबर ना करो, जिस तरह उनका मजहब कहता है वो वैसे फॉलो करें, वो उनका राइट है, वो जिस तरह मर्जी करें। जी, हक है, हक हाँ, जैसे हमारी ईद होती है वो लोग होली मनाते हैं, इस तरह से सारी चीज़ें हैं, तो अब हर मजहब के अलग अलग इवेंट्स होते हैं, हर हर चीज़, हमारी ईद होती है, किसी की हेलोवीन होती है, तो अब
अब करें, उनका मजहब कहता है तो करेंगे, अब हमारा कहता है तो हम भी करेंगे। आई थिंक हर जितनी भी कंट्रीज में एज अ डेमोक्रेटिकली ये एक एग्जांपल है कि वो अपने डेमोक्रेसी में सारे रिलीजन्स को ना सिर्फ प्रमोट करते बल्कि उनको ये स्पेस भी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपने रिलीजन्स के कस्टम्स और ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था तो हिज वर्ड्स वर कि दिस प्लेस इज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, दिस इज ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ रिलीजन, एनी काइंड ऑफ कास्ट, एनी काइंड ऑफ एनी अदर ह्यूमन बींग। सो आई थिंक वी शुड बी ओपन अबाउट द आइडिया कि आप अपने कस्टम्स और रिलीजन्स को जहाँ पर भी हो, जिस तरह पर भी हो, उनको फॉलो करने की आपको ये फ्रीडम होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उनका हक है, वो उनके मजहब के मुताबिक वो जैसा वो चाहे वो अपना सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम उन पर तनकीद नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ठीक ही है, जो मर्जी करे, हम जो मर्जी मुसलमान है ना, हम जो मर्जी करे, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, इंडिया को भी कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, मुसलमानों को भी कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, जंग नहीं लगनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, मुसलमानों को तंग नहीं करना चाहिए, जो मुसलमानों को मार पीट रहे हैं वो भी अच्छी बात नहीं है, क्यों वो हमारे मुल्क में आए, हम उनकी जैसे मेहमान नवाजी करते हैं ऐसे मेहमान नवाजी करेंगे, वो हाथ देंगे उनके पैरों के थले, क्यों कोई भी आएगा हमारे मुल्क में उसके प्यार मोहब्बत बढ़ाया जाएगा, जैसे हम बाहर की मुल्क की टीम आई है हमको उनको वेलकम किया है। बिल्कुल वही जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो इंसान का एक बेसिक ह्यूमन राइट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आप जिस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं आप उसके कस्टम उसके रिलीजन अकॉर्डिंग करें, कोई गलत बात नहीं। जो फवाद चौधरी साहब का टॉन्ट है, उस टॉन्ट पे आपका क्या रिएक्शन है कि इस तरह मीम्स और ट्विटर पे शेयरिंग होनी चाहिए? नहीं, दैट्स प्योर बुलशिट, क्योंकि अगर हम इसकी जगह हम होते ना और हमारे हमने कुछ किया होता और इंडिया ने हम पे कोई ताकीद की होती, हमारी आवाम तो ऐसी कुत्ती हो जाती है फिर तो ये तो बिल्कुल मतलब आई थिंक पॉलिटिक्स में ये चीज़ तो पहले आनी नहीं चाहिए। जब आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको फ्रीडम मिले तो फिर आपको देना भी चाहिए। ये जल्दबाजी के काम होते हैं, ठीक है, ये सियासतदान होते हैं, सारे जल्दबाजी में बात कर जाते हैं, बाद में इससे पछताते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार ये मैंने क्या बोला। ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं, उनको कहना चाहिए था, उन्होंने गलत किया है कि उनका हक है, उनका मजहब है, वो मना रहे हैं, इस तरह कल को हमारे मजहब को डॉन करेगा हमें बुरा लगेगा। इस पे पाक आर्मी जो है उन्होंने बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है और कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, ये सब ठीक है, इस तरह होना चाहिए, तो इस तरह की टॉन्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो पाक आर्मी पीस की तरफ बढ़ रही है, तो इंडिया की जो लोग हैं और आवाम है उसके लिए आपका क्या मैसेज होगा? के लिए सिर्फ एक ही मैसेज होगा, द वे दैट वी आर प्रेजेंटिंग एंड वी आर एडवोकेटिंग फॉर पीस, वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग। फॉर एग्जांपल पुलवामा अटैक हुआ, वी वर एक्सपेक्टिंग कि हम लोगों ने उनका जो अभिनंदन थे उनको छोड़ा, एंड वी गेव एंड इट्स नॉट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद पाकिस्तान, हम लोगों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना स्टांस प्रूव किया कि हम लोग जो है पीस के प्रोटैगनिस्ट हैं। सिमिलरली वी आर एक्सपेक्टिंग द सेम फ्रॉम इंडियन कम्युनिटी टू, एंड ऑल्सो ये जो ट्वीट है दैट्स प्योरली एन इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ चौधरी फवाद, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज प्रेजेंटिंग द पूरे पाकिस्तान का, ये नहीं है, इट्स ऑनेस्टली मतलब कि उनका स्टांस है, उन्होंने दिए उन तक ही रहना चाहिए, ये हम सबका या बाकी पाकिस्तानियों का स्टांस है, ओवरऑल सोसाइटी का जो है हम लोग का ये दिस इज नॉट द सेम एज सोसाइटी। बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तानी ने पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है कि उनको नहीं करना चाहिए था फवाद चौधरी का था, लेकिन इंडिया वो कौम ही उनकी ऐसी वो मुकर जाते अपने बात से, वो गद्दार हैं, इतनी दफ़ा मुजाकरात हो चुके हैं लेकिन वो फिर अपने बात से मुकर जाते हैं। हमारी आर्मी अभी बुरी कोशिश है कि मुजाकरात हो जाएँ, फिर से बात करें, लेकिन उनका ये नहीं है, वो गद्दार अपने बार बार बात से मुकर जाते हैं। बिल्कुल ठीक कदम है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बारे में हमें कोई बात करना बनती है, वो उनका मजहब है, उनका सारा दीन माना, वो जैसा करता है वो उनका सारा है, हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। तो इस पे जो पीस का मैसेज है, अब पाक आर्मी का इतना रिस्पांस अच्छा है इंडिया के लिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे इंडियन लोगों को? हाँ बिल्कुल, हमारा जैसे रिस्पांस उनके लिए अच्छा है, लेकिन हम अगर ऐसा कुछ भी करते हैं उनका रिस्पांस हमारे लिए अच्छा नहीं होता, मैं यही कहना चाहूँगा बस, क्योंकि उनको भी मैं यही मैसेज दूंगा कि कहनी जैसे हम लोग आपको प्यार देते हैं वो भी हमें प्यार ही दें। इंडिया और पाकिस्तान में पीस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होगा? ऐसे होगा कि ठीक है वो जैसा कह रहे हैं उनको करने दें, आप जैसा कह रहे हैं वो उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए, हम जो कुछ कह रहे हैं, लेकिन ये है कि हमें कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए, अगर वो अपने मजहब के मुताबिक कुछ भी करते हैं तो हमारा ये हक नहीं बनता कि हम उन पर कोई तनकीद करें, ना उनका ये बनता राइट बनता कि वो हम पर कोई तनकीद करें अगर हम अपने मजहब के मुताबिक कोई भी काम कर रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में पीस होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, आपका पूरी दुनिया में पीस होना चाहिए, बिकॉज एक
वही वाली बात है, हम लोग की जनरेशन इस तरह की, बिकॉज इंडिविजुअली अगर आप किसी से पूछे नोबडी हेट्स इंडिया उस तरीके से, उनकी ये कुछ पॉलिसीज जो हमें नहीं पसंद, हमारी भी बहुत सी पॉलिसीज होंगी जो उनको पसंद नहीं होंगी। तो इट्स ऑलवेज के हर कोई अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, हम अपना करते हैं वो अपना करते हैं, हमारे पास भी फ्रीडम होना चाहिए उनके पास भी फ्रीडम होना चाहिए। बहुत सी वैल्यूज हैं ऐसी जिन पे हम एग्री नहीं कर रहे होते, वो नहीं कर रहे होते, तो लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री, दैट्स इट। नाइस थिंकिंग, थैंक यू सो मच।